तो गाइज GTA 5 का भी हाल ही में अपडेट आया है और उसी के साथ गाइज इश्यूज आने शुरू हो चुके हैं भाई। और सबसे इम्पॉर्टेंट इशू जो कि बार बार रेज हो रहा है वो कि है स्क्रिप्ट हुक 5 क्रिटिकल एरर। भाई सॉल्व कैसे करना है तो डोंट वरी, क्योंकि स्क्रिप्ट हुक का नया वर्जन आ चुका है और भाई इससे आपके जितने भी एरर है सब कुछ सॉल्व हो जाएगा और आपकी GTA 5 जो है वो वापस से रन करने लगेगी बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो आइए हम लोग डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं द लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्क्रिप्ट हुक 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने कोई भी ब्राउज़र में जाएंगे। ब्राउज़र में जाके हमको जाना है GTA 5 मॉड्स की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, और वहाँ से जाके हम लोग सिंपली उसका जो सर्च आइकॉन है वहाँ पे सर्च करेंगे हम लोग स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट सर्च करने के बाद हमको ये दो फाइल जो पहले की है इसको ओपन करनी है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले कम्युनिटी स्क्रिप्ट हुक 5 को ओपन करते हैं और अभी ओपन करते हैं तथा स्क्रिप्ट हुक 5 प्लस नेटिव ट्रेनर का फाइल। ठीक है, इसको ओपन करेंगे और जब तक ये ओपन होता है तब तक हम सबसे पहले ओके ओपन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और देख सकते हो GTA 5 का जो नया अपडेट है जो कि है 1.0.3095 उसका स्क्रिप्ट हुक आ चुका है, जो कि कब का आ चुका हुआ वो भी इन्होंने यहाँ पे एक्चुअली बताया नहीं है कि कब आया है, पर ये देखो 15 दिसंबर को आ चुका था। ठीक है, एक्चुअली मैं ये वीडियो सैटरडे को आने वाला था बट मैं सैटरडे में भाई बाहर गया था, एक्चुअली मैं था ही नहीं, मैं तो उसी का सीन हो गया। तो हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट हुक 5 को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, हम लोग इसको डाउनलोड, मैंने इसको ऑलरेडी कर लिया, फिर भी मैं रिप्लेस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो अभी हम लोग डाउनलोड करेंगे स्क्रिप्ट हुक 5.net। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डाउनलोड बटन के ऊपर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे अपनी गिटहब की साइट के ऊपर। तुमको यहाँ पे क्लिक करना है 3.6.0 वाला जो है ना, यहाँ पे लेटेस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है। नीचे जाके सिंपली स्क्रिप्ट हुक .net zip के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो स्क्रिप्ट हुक है दोनों का दोनों फाइल डाउनलोड हो चुका है। अभी हम दोनों के दोनों फाइल को इंस्टॉल करेंगे अपनी GTA 5 के अंदर। ठीक है, तो ये बाजू है मेरा स्क्रिप्ट हुक का ही फोल्डर और एक बाजू हम लोग ओपन करेंगे अपना GTA 5 का फोल्डर। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ मेरा GTA 5 जो कि एपिक गेम्स का, और जो कि मैंने अपडेट कर भी दिया है। काफ़ी लोगों को एक्चुअली में पता है कि मैंने गेम को अपडेट कर दिया था, क्योंकि मैं जो अभी जो अपनी GTA ऑनलाइन का जो नया बिजनेस है ना उसका मैंने गाइड बनाया तो सबको पता चल गया। ठीक है, अभी हम लोग स्क्रिप्ट हुक 5 की डी इनपुटेड और स्क्रिप्ट हुक 5 डी एरर को यहाँ पे डाउनलोड करके डाल देंगे। हमको रिप्लेस करना है क्योंकि आपका आई थिंक पुराना स्क्रिप्ट हुक होगा अंदर, तो आप कर सकते हो। और स्क्रिप्ट हुक 5.net में से CY लाइसेंस और रेडमी सभी फाइल सिलेक्ट करो और क्लिक एंड ड्रैग करके इंस्टॉल करके रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका स्क्रिप्ट हुक इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो आपका जो स्क्रिप्ट वगैरह जो है वो सब कुछ अभी रन करेगा। अभी मैं गेम के अंदर आपको जाके बताने वाला हूँ कि हम लोग कैसे सभी चीज़ें को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे गेम के अंदर जाएंगे, हम लोग एक एड ऑन गाड़ियों को वगैरह को स्पॉन करेंगे। वी आर गोइंग टू सी कि अपने जो ट्रेनर है वो वर्क कर रहे हैं या नहीं, मैंने जो ग्राफिक मॉड डाला है वो वर्क कर रहा है या नहीं। ऑल्सो अगर ये करने के बाद भी आपका गेम नहीं चले तो भाई आप कमेंट ज़रूर करना नीचे, मैं आपको एक और वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए जिससे आपका गेम का सभी एरर सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अगर बाय चांस इस मेथड से ना हो तो बाकी स्क्रिप्ट हुक अपडेट कर लेते हैं हम लोग, तो मोस्टली 90% ऑफ द गेम रन कर जाता है हम लोग स्क्रिप्ट हुक अपडेट करते हैं तो। और मेरे साथ भी अभी ऐसा ही होने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट हुक अपडेट किया मैं जैसे ही गेम के अंदर जाऊँगा मेरा गेम वर्क करेगा। और इसके अंदर जो मैंने ट्रेनर डाला है मेन्यू ट्रेनर और जो एड ऑन गाड़ी डाली है लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर वो दोनों वर्क करेगा। ठीक है, अभी देख सकते हो मेरा यहाँ पे गेम लोडिंग स्क्रीन पे है और मेरा अभी गेम लोड होगा तो सीधा मैं आपको गेम के चलते ही मिलता हूँ। ठीक है, ओके गाइज, तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैं GTA 5 के अंदर आ चुका हूँ। आप गाइज मेरा ग्राफिक कार्ड देख के, अब मेरा ग्राफिक मॉड देख के थोड़ा तो समझ गए होगा आप मैंने कौन सा ग्राफिक मॉड डाला है। ठीक है, कमेंट में बताओ कि मैंने कौन सा ग्राफिक मॉड डाला है। ठीक है, तो ग्राफिक मॉड चल गया, गेम चल गया, मतलब कि गेम चल गया। ठीक है, अभी हम लोग मेन्यू मॉड को रन करेंगे। F8, ओके, मेन्यू मॉड इज ऑल्सो वर्किंग, मतलब कि अपना जो स्क्रिप्ट हुक 5 का जो एरर था वो सॉल्व हो चुका है, हमारा गेम यहाँ पे रनिंग कर रहा है। मैं अपनी गाड़ी को भी स्पॉन कर लेता हूँ जस्ट फॉर सेफ्टी। ठीक है, तो मैंने जो गाड़ी डाला हुआ है वो है लैम्बोर्गिनी SVJ, तो 63 एंड बूम, ये देखो गाइज अपना लैम्बोर्गिनी भी चल रहा है। तो मतलब कि गाइज हमने जो मॉड वगैरह डाले, जो स्क्रिप्ट हुक हमने चेंज किया, उसका एरर यहाँ पे सॉल्व हो चुका है और एकदम परफेक्टली सारी चीज़ें वर्क कर रही है। और जैसे कि मैंने बोला, अगर आपका स्क्रिप्ट हुक अपडेट करने के बाद भी गेम ना रन करे, दिक्कत हो, तो आप कमेंट करो और ऑल्सो मेरे को बताओ कि भाई ये कौन सा ग्राफिक मॉड है। ठीक है, जल्दी बताना। ठीक है, मैंने ऐसा नहीं है कि गेम फिल्टर नहीं है। ठीक है, गेम फिल्टर मैंने डाला है,
पर ग्राफिक मोड भी डाला है, ठीक है? तो आप मेरे को बताओ कौन सा ग्राफिक मोड है, ठीक है? सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक स्टे सेफ, कीप गेमिंग एंड कीप सपोर्टिंग दी चैनल।